हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट थ्री का थर्ड पेपर कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स के कार्य एवं महत्व, जैव सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। बायोस्टैट्स, जैसा कि शब्द से हमें लग रहा है, जैविक आंकड़ों के लिए सांख्यिकी का इस्तेमाल। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों के से प्रभावित होते हैं, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, यथार्थता के स्तर के अनुसार उनकी गणना की जाती है, जिन्हें पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाता है और जिन्हें परस्पर संबंध दर्शाते हुए रखा जाता है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। जैव सांख्यिकी विधियों का विकास जीव विज्ञान की बढ़ती हुई जागृति व अनुसंधान कार्य की प्रगति के समांतर ही हुआ है, इसलिए जीव विज्ञान की इस शाखा में आधुनिक जैविकी के प्रत्येक चरण तथा उसके प्रत्येक घटक का अध्ययन किया जाता है। जैव सांख्यिकी के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन एग्जैक्ट नंबर, यानी तथ्यों को निश्चित संख्याओं में प्रकट करना। जैव सांख्यिकी का प्रथम कार्य फैक्ट्स और कंपोनेंट्स को संख्यात्मक रूप देकर उन्हें अधिक शुद्ध, निश्चित एवं स्पष्ट बनाना है। कुछ तथ्यों को आसानी से प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे व्यक्तियों की आयु, लंबाई, व्यक्तियों का भार इत्यादि। लेकिन कुछ तथ्य जैसे विकास, ईमानदारी, न्याय, उन्नति, इनके गुण संबंध का विश्लेषण कर इनका अध्ययन करने का प्रयास भी किया जाता है। दूसरा कार्य है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल, यानी जटिल जैविक तथ्यों को समझने योग्य सरल रूप देना। जैव सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है। जैव अनुसंधान द्वारा एकत्रित आंकड़े इतने अव्यवस्थित होते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। जैव सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य एकत्रित आंकड़ों का वर्गीकरण व टेब्यूलेशन, यानी कि उनकी सारणीकरण करना व अधिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चित्रों व रेखा चित्रों के प्रयोग द्वारा सरल व बोधगम्य बनाना है। इसका तीसरा जो फंक्शन है वो है टू कंपेयर सिंप्लीफाइड फैक्ट्स एंड एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। तुलनात्मक अध्ययन के लिए जैव सांख्यिकी का विशेष महत्व है। यथार्थ रूप से रखे गए तथ्यों का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उनकी तुलना दूसरे तथ्यों से नहीं की जाए। इस हेतु सरल किए गए आंकड़ों के आधार पर माध्य, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय माप और गुणांक, कोएफिशिएंट, परसेंटेज आदि ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक देश में औसत आयु 50 वर्ष है तो इस 50 वर्ष की आयु को कम, अधिक या सामान्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अन्य किसी देश की आयु के आंकड़े ज्ञात ना हो। इसका चौथा जो स्कोप है वो है व्यक्ति के अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना, टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अन्य विज्ञानों की तरह जैव सांख्यिकी में ये गुण भी पाया जाता है कि वह मनुष्य में ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति को बढ़ाती है।
जैव सांख्यिकी के प्रयोग से जैविक अध्ययनों की समस्या के प्रति दृष्टिकोण में और विश्लेषण का स्वरूप बदल जाता है। इसके एक आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान से अधिक शुद्ध होने की संभावना है और वस्तुओं की प्रवृत्ति के संबंध में उसे केवल सांख्यिकीय रीतियों के द्वारा ही गलत सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू गिव एग्जैक्टनेस टू द प्रॉब्लम्स एंड थ्रो लाइट ऑन देयर मैग्नीट्यूड। समस्याओं को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार व महत्ता पर प्रकाश डालना। जैव सांख्यिकी के उपयोग के बिना निष्कर्ष तो निकाले जा सकते हैं, किंतु ये निष्कर्ष कहाँ तक सत्य होंगे ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अतः जब तक किसी जैविक समस्या को जैव सांख्यिकी रूप नहीं दिया जाता, समस्या अधिक स्पष्ट और तर्क अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकते। इसी प्रकार इसका अगला ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डाटा एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर बाय बायोस्टैटिस्टिक्स। यानी जैव सांख्यिकी द्वारा वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। जैव सांख्यिकी में विभिन्न विधियों की सहायता से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य के लिए अनुमान लगाया जाता है। औषधि उत्पादन और परीक्षण के क्षेत्र में भावी अनुमान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, किंतु इन अनुमानों का सही परिकलन कठिन कार्य है। इस प्रकार के अनुमान जैव सांख्यिकी के आधार पर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य इसका होता है नॉलेज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स, तथ्यों के मध्य सहसंबंध की जानकारी। जैव सांख्यिकी विधियों द्वारा ये जानकारी मिल जाती है कि दो या दो से अधिक प्रकार के जैविक तथ्यों में पारस्परिक सहसंबंध कोरिलेशन है या नहीं, और यदि है तो वो कितना है। इस बात का ज्ञान केवल जैव सांख्यिकी विधियों के द्वारा ही संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन अच्छा या बुरा होना वर्षा के परिमाण पर निर्भर करता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा और कृषि उत्पादन में सहसंबंध है तथा एक दूसरे पर प्रभाव रखते हैं। जैव सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है जो सामाजिक आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं का अध्ययन एवं उनके समाधान के उद्देश्य से सामग्री अथवा आंकड़ों का संकलन कलेक्शन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सारणीयन टेब्यूलेशन प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विश्लेषण या एनालिसिस एवं निर्वचन या ट्रीटमेंट करती है, और इससे संबंधी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से अन्य भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से अन्योन्य प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।